दोस्तों स्वागत है आपका एक और वीडियो में। मैं अभी बनाने जा रहा हूँ गोभी के फरे, तो बनाता हूँ मैं अभी गोभी कट करने जा रहा हूँ। और मेरी तरफ से सब लोगों को गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों कैसे हो आप लोग, कमेंट करके बताना कि आप लोग कैसे हो। मैं अभी गोभी काट लेता हूँ फटाफट, काटने के बाद मिलता हूँ आप लोगों से। तो मेरा गोभी तो कट हो गया है, ये देखो, ये इतना सारा गोभी मैंने कट कर लिया है। अभी इसको धो के और अपना क्या बोलते हैं, कांदा मिर्ची भी काट लेते हैं। बने रहिए वीडियो में, कांदा मिर्ची काटने का नया स्टाइल आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो, ये है वो देसी जुगाड़ जिसमें मैं कांदा मिर्ची काटने जा रहा हूँ। अभी आप लोग बने रहिए वीडियो में, दिखाता हूँ मैं देसी जुगाड़। तो मैं एक कांदा के टुकड़े कर लेता हूँ अभी इसमें। ये टुकड़े हो गए और आप देख सकते हो टुकड़े तो हो गए। ये मिर्ची आप देख सकते हो कितनी मिर्ची खाते हैं हम लोग। ये मिर्ची भी डाल दिया मैंने। भाजा 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 बच्चे, अभी कैसे कट होगा वो देखना आप लोग। ये है आगे आज का ढक्कन, ये है देसी जुगाड़। जिस किसके घर पे है वो बताना जरूर, मगर आप सोच रहे कैसे बताएंगे। अरे कैसे बताओगे क्या, कमेंट करके बताना किस किसके घर पे जुगाड़ है। ये अभी देखो कट गया पूरा, देख रहे हो पूरा बारीक हो गया है। इसको मैं डाल देता हूँ थाली में। मैं अभी काट रहा हूँ टमाटर, घंटों का काम होता है मिनटों में। ये देखो कट गए टमाटर, जिसको कहते हैं देसी जुगाड़, बिना लाइट, बिना बिजली, बिना पानी के। बस थोड़ी सी मेहनत करो और कट जाता है फटाफट। तो ये मेरा कट के अभी रेडी हो गया है, कांदा मिर्ची लहसुन अदरक और टमाटर। तो इसको मैं भी ये भाजी को बना देता हूँ, मिलता हूँ फिर वीडियो में आपको। बने रहिए ऐसे ही, मैं दिखाऊंगा आज कौन सी रेसिपी मैंने बनाई है। देख क्या रहे हो भाई लोग, भाजी धुल रहे हैं यार, और क्या देख रहे हो, भाजी धुल लेते हैं फिर आप लोगों को दिखाते हैं गोभी के फरे। ये अभी हमारी भाजी गई है धुल, अब मैं इसको पका लेता हूँ फटाफट। तो ये बन रहे हैं मेरे गोभी के फरे, देख सकते हो आप लोग कैसे बनाते हैं। ये मैंने फोल्ड किया और ये बन गया। ध्यान रखे कि खुले नहीं रहे, नहीं तो पानी फिर भर जाएगा इसमें, तेल भर जाएगा तेल में फ्राई करोगे तो, पानी में पकाओगे तो पानी भर जाएगा। ये मैंने इतने सारे बना लिए हैं और ये सब्जी मैंने पका ली थी पहले से ही। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।